इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू एलिप्स मूव इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। सो फार जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने बताया था आपको कि हमने एलिप्स ड्रॉ की थी, यानी एक बॉल थी और वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रही थी। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि बॉल यानी एलिप्स जो हमने बनाया है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे मूव हो सकता है। इसके लिए देखें, ये वही प्रोग्रामिंग है जो मैंने लास्ट लेसन में लिखी थी, उससे हम आगे चल रहे हैं, लेकिन एक दफा मैं आपको फिर ये रन करके दिखाती हूँ ताकि हमारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। यहाँ मैं इसको पेस्ट करती हूँ और हम इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये बॉल है, हमारी ये एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है ओनली एक्स एक्सिस में। अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारी वाई एक्सिस पे भी जाए और रेंडमली इसे स्क्रीन पे मूव हो। तो देखे इसके लिए क्या था, जो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव हो रही थी उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था, यानी ए डेल्टा इज इक्वल टू 4, और यहाँ हमने ए डेल्टा लिखा था। अब हम क्या करेंगे, जब हम चाहते हैं कि ये वाई एक्सिस पे भी हमारी मूव हो तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें हमें एक नया वेरिएबल बनाना होगा। फ्लोट उसका डेटा टाइप है और बी डेल्टा, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और ये वाई को, आप इसकी जगह एक्स और वाई लिखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको भी मैंने 4 इसकी स्पीड दी है, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें जो रेड है इस स्क्रीन में, इट मींस कि ये दो चीजें मैंने नई लिखी हैं। और यहाँ बी इज इक्वल टू बी प्लस बी डेल्टा, सिर्फ एक्स एक्सिस में क्या था, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए डेल्टा था। अब हमने वाई एक्सिस में भी इसको मूव कराना है तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू बी प्लस बी डेल्टा। इसको हम रन करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी आगे कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं और आगे क्या फीचर है। ये देखें, अब जब हमने एक और वेरिएबल बना लिया और यहां मैंने b इज इक्वल टू बी डेल्टा लिखा तो ये y एक्सिस में भी मूव हुआ। एक दफा दोबारा देख लेते हैं, ये y एक्सिस की तरफ भी मूव हुआ, x एक्सिस से स्टार्ट होके y एक्सिस पे आया, लेकिन यहाँ आके फिर ये डिसअपियर हो गया। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि ये बाउंस करे, जब इससे यहां से आके हिट हो तो ये बाउंस होके यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट बनानी होगी, राइट। इफ स्टेटमेंट देखे, सेम जो हमारी ए यानी एक्स एक्सिस के लिए थी वही हमने बी के लिए लिखनी है, लेकिन एक्स एक्सिस पे ऐसे हमारे पास विड्थ होती है कैनवस की और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे हाइट है, इसलिए हमें हाइट का वर्ड यूज करना होगा, ये की वर्ड यूज करना है, B is greater than height. Height जो भी है आपकी, देखें यहाँ 600 है, अगर आप 700 कर दें, 800, 900 जो भी आप height कर देंगे, यहाँ पे आपने keyword use किया है, वो उसी के मुताबिक set हो जाएगा। और minus 20 क्यों किया है कि ये देखें, ये हमारा ellipse का जो diameter है यहाँ पे, ये पूरा ये 40 है, वरना ये half अंदर जाएगी, टकराएगी और हम चाहते हैं बस यहाँ से hit हो और ये bounce back हो जाए, इसलिए आपने इसमें से minus 20 करना है। जो रीजन ए की थी वही सेम बी की है, बस यहाँ आपने दूसरा वेरिएबल लिखना है और हाइट लिखनी है। अब इसको मैं रन करवा के देखूंगी तो देखिए हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस लेक्चर का, वो पूरा हो जाएगा, यानी हमारी बॉल जो है वो जैसे ही इससे टकराएगी बाउंस हो जाएगी। अब आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हर जगह आपकी बॉल मूव हो रही है, लास्ट लेक्चर में सिर्फ हॉरिजॉन्टली थी, अब हमारी स्क्रीन पे बॉल मूव हो रही है। और अगर हम आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड हमने ग्रे करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड के आगे डबल स्लैश डाल दें तो देखें ये ग्रे हो गया, पहले ये ब्लैक था अब ये ग्रे हो गया, इट मीन्स ये कॉमेंट बन गया है। अब ये यहाँ लिखा रहेगा, किसी भी कमेंट को अगर आपने नहीं शो करना तो आप उससे पहले डबल स्लैश 2 लगा दें, अगर स्ट्रोक को भी नहीं चाहिए तो डबल स्लैश लगा दें, ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट आपका डबल लाइन से, यानी ये जो लाइंस है आपके पास इससे स्टार्ट होता है। अब हम इसको रन करवाते हैं, अब ये कमेंट है, अब आपको ब्लैक स्क्रीन नहीं नजर आएगी, आपको ये शो होगा। देखिये पहले ब्लैक पे जहां जहां हमारी बॉल मूव हो रही थी आपको ये पैटर्न नहीं नजर आ रहा था, अब आपको ये नजर आ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी अगर ब्लैक हो जाए तो आपने क्या करना होगा, ये जो बैकग्राउंड है इसको अगर हम यहां लिख दें, void setup में अगर हम इसको लिख दें
सेम बैकग्राउंड को, तो सिर्फ ये एक दफा रन होगी और ये आपकी स्क्रीन ब्लैक आपको नजर आएगी। तो हम इसको रन करवाते हैं। ओके, कोई हमारा ये वाला जो है पैरेंथेसिस, ये हमारा यहां होगा। ये छोटी सी भी अगर गलती हो जाती है तो ये आपका रन नहीं होगा। अब आपके पास स्क्रीन तो ब्लैक होगी, आपके पास ये पैटर्न भी आपको नजर आएगा कि कैसे आपकी बॉल मूव हो रही है। राइट, अगर मैं इसको यहां से इसका फ्लोट की वैल्यू चेंज कर दूं, सपोज मैं यहां 200 कर देती हूं, तो इसका पैटर्न देखें, इसका पैटर्न फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं जो कि यहां पे अप्लाई होगी। देखिए, अब ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपका एलिप्स मूव हो रहा है। तो आपने सीख लिया कि कैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूव करवा सकते हैं, कैसे एलिप्स का हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, सबकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।